हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, जैसा कि आप पिछली वीडियो से लगातार देखते आ रहे हो, हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ रहे हैं, भौतिक राशियों का मापन एक तरीके से, ना। तो इसमें अपन भौतिक राशियों के बारे में बात कर चुके हैं, मात्रक के बारे में बात कर चुके हैं, मात्रक पद्धति के बारे में बात कर चुके हैं। तीन पद्धतियाँ हम पढ़ चुके हैं, MKS, CGS, FPS, और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देख रहे होंगे कितनी इंपॉर्टेंट है, SI सिस्टम की हम बात करने जा रहे हैं। SI सिस्टम में भी मात्रकों को परिभाषित तरीके से याद रखना एक बड़ी बात है अपने आप में। आप जो अपने सीनियर लोग हैं उनसे पूछना, अक्सर याद नहीं होंगी, या तो पढ़ाया नहीं गया होगा या उन्हें याद नहीं होंगी, क्योंकि इनमें जो आंकड़े हैं ना वो थोड़े से टेढ़े हैं, आंकड़े थोड़े से टेढ़े हैं, ठीक है ना। तो उन मात्रकों में हम एक मीटर की बात कर चुके हैं, उम्मीद है आप सबको याद भी हो गया होगा। एक मीटर की मैंने आपको दो परिभाषाएं बताई हैं। पहली परिभाषा कौन सी है, क्रिप्टॉन 86, जो कैसा प्रकाश निकालता है, नारंगी लाल प्रकाश। इसकी 1650/763.73 किरणें जितनी दूरी में आती हैं वो एक मीटर है, आंकड़ा आपको याद करना पड़ेगा। या फिर मैंने कहा था कि प्रकाश द्वारा एक बटे, मैंने कहा वैसे तो वो 30 करोड़ है, पर 30 करोड़ से कुछ कम है, 29,97,92,458। अब पीछे अगर एक आध दो अंग की गलती हो जाए तो भी कोई पड़ने वाली बात नहीं है। सेकंड में तैके की दूरी एक मीटर कहलाती है। फिर हमने बात करी एक किलोग्राम की। देखो स्टार्टिंग में बहुत स्लो था हमारा सिस्टम, पर जब याद हो जाएगा तो हम सेकंडों में बोल दिया करेंगे। एक किलोग्राम, एक किलोग्राम बच्चों द्रव्यमान उस विशेष बेलनाकार, एक बेलन बनाया गया प्लेटिनम और इरिडियम का बना हुआ, और वो बेलन रखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय माप ब्यूरो पेरिस में रखा हुआ है, उसके वजन के बराबर एक किलोग्राम है। या एक किलोग्राम की दो परिभाषा मैंने आपको और बताई कि पानी का 4 डिग्री सेल्सियस पर जो द्रव्यमान है वो एक किलोग्राम है। या फिर मैंने एक परिभाषा और बताई आपको मैंने कि कार्बन 12 के 5×10^25 परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वो एक किलोग्राम है। उम्मीद करता हूँ ये तीनों डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होंगी। तीसरी हमने एक सेकंड की बात की, एक सेकंड की। तो मैंने क्या कहा कि एक सीजियम परमाणु होता है, और एक परमाणु घड़ी की चर्चा की थी, इसके अंदर परमाणु घड़ी एग्जैक्ट समय नापती है, उसमें त्रुटि बहुत कम है, 500 वर्षों में लगभग 1 सेकंड ही गलती करती है, मतलब ना के बराबर कुछ भी गलती नहीं है ये मानो आप। तो जो सीजियम जो परमाणु है वो मैंने मोबाइल नंबर टाइप में आपको याद करवाया था, 91-92-630-770 कुछ ऐसे 31-770 इतना आंकड़ा याद कर लीजिए, इतने कंपन जितने समय में करता है वो एक सेकंड है। फिर मैंने आपको एक एम्पियर मैंने कहा था, ये इंपॉर्टेंट लॉजिक है बच्चों, दो सीधे तार जो एक मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, समान धारा प्रवाहित करता हूँ, एकांक लंबाई पर बल 2×10^-7 न्यूटन बटे मीटर, मात्र न्यूटन मत लगाना, न्यूटन बटे मीटर लगाना है, तो धारा एक एम्पियर कहलाती है। और फिर कल लास्ट में आपको मैंने पढ़ाया था बच्चों एक केल्विन, तो मैंने दो बिंदु बताए थे, हिमांक और क्वथनांक। तो जल के हिमांक और क्वथनांक के अंतर का 1/100 भाग, 1/100 भाग क्या कहलाएगा, एक केल्विन कहलाएगा। फिर त्रिक बिंदु की बात करी थी, 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, उम्मीद भी कर रहा हूँ कि रट भी गई होंगी, शायद स्लो जरूर है, आप टेंशन ना करें कोर्स की, बस पढ़ने पर अपना ध्यान लगाएं। नेक्स्ट जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो हमें 7 मूल राशियां पढ़नी थी, लंबाई का हम मीटर पढ़ चुके हैं, द्रव्यमान का किलोग्राम पढ़ चुके हैं, समय का सेकंड पढ़ चुके हैं, विद्युत धारा का एम्पियर पढ़ चुके हैं, ताप का केल्विन पढ़ चुके हैं। अगली जो राशि थी वो थी ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता, आप याद कीजिए SI पद्धति में, और उसका मात्रक क्या होता है, कैंडला। तो बच्चों हमें अब जो परिभाषा पढ़नी है ये बिल्कुल आपकी नई है, इसमें आपने नाम सुने भी नहीं होंगे, अब समझिएगा ध्यान से, एक कैंडला क्या है, थोड़ी याद ही करनी पड़ेगी मानो आप। तो ना एक लास्ट परिभाषा और है जो आपको परेशान करेगी बच्चों, एक नाम आएगा कृष्णिका, मैं लिखता हूं क्या नाम आएगा, कृष्णिका। देखो कृष्णिका, कृष्ण भगवान को तो आप सब जानते ही होंगे, कृष्ण भगवान का रंग था सांवला, यानी कि मैं काला कह सकता हूं। तो कृष्णिका को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी। बच्चों आप लोग जानते होंगे, आप लोग देखो कि जो, अब इसमें क्या लॉजिक थोड़े से लंबे हैं, आप गर्मियों के दिनों में अक्सर काले कपड़े नहीं पहनते हो, क्योंकि काले कपड़े का जो अवशोषण है वो बहुत ज़्यादा है, परावर्तन उससे बहुत कम हो पाता है, वो कृष्णिका है, ब्लैक बॉडी है। तो कृष्णिका आपके चैप्टर में पूरा एक टॉपिक है, जब ऊष्मागति वाला पोर्शन पढ़ रहे होंगे तब मैं कृष्णिका को बहुत डीपली समझाऊंगा आपको। फिलहाल आप एक नाम याद कर लें कि कोई सतह है कृष्णिका, कृष्णिका मतलब दिमाग में काली सतह, काली सतह, ठीक है ना। अब इस काली सतह के, काली सतह के लंबवत, जैसे मान लीजिए बोर्ड है,
और बोर्ड से कोई किरण या कोई चमक एक तरीके से बाहर निकले तो कृष्णिका के सतह या तल के लंबवत, ध्यान रखना बच्चों, 1/60,000, यह आंकड़ा तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, 1/60,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से, मतलब क्षेत्रफल बहुत स्मॉल हो गया बच्चों। 1 मीटर स्क्वायर कितना होता है, 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई, लगभग बोर्ड मान लो आप 1 मीटर स्क्वायर का है, इसके 60,000 हिस्से किए जाएं, बहुत छोटा आएगा ना बट में, तो 1/60,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से जो प्रदीपन तीव्रता बाहर निकलेगी, चमक कह दो आसानी से समझने के लिए, प्रदीपन तीव्रता बाहर निकलेगी। आंकड़े याद करो बच्चों, आंकड़े याद करो, क्या आंकड़े याद करोगे आप, कि जो कृष्णिका है, जो कृष्णिका है उसके तल के लंबवत, जो कृष्णिका है इसके तल के लंबवत 1/60,000 मीटर स्क्वायर प्रदीपन तीव्रता, इसमें एक कंडीशन है पर, जो प्रेशर है वो 101325 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होना चाहिए, दाब 101325 बहुत ज्यादा दाब है, और जो ताप है, ताप ये प्लैटिनम के गलनांक के बराबर होना चाहिए। अब सुनना ध्यान से, सुनिएगा, प्लैटिनम को आदर्श कृष्ण का भी कहा जाता है, वो प्लैटिनम की जो राख बनती है उसे आदर्श कृष्ण का बोलेंगे आगे चल करके हम, कि यदि किसी कृष्णिका का, मैं और आसान परिभाषा बनाऊं, यदि किसी कृष्णिका का ताप तो है प्लैटिनम के गलनांक के बराबर, दाब है 101325 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, तो उसकी सतह के लंबवत इतने क्षेत्रफल से जो प्रदीपन तीव्रता बाहर निकलेगी उसे क्या नाम दिया जाएगा, एक कैंडला, एक कैंडला, मैं इसको परिभाषा के रूप में लिखूं, आप थोड़ा समझना है ना, परिभाषा क्या कहती है, कि यदि कृष्णिका का ताप प्लैटिनम के गलनांक के बराबर, प्लैटिनम के गलनांक के समान, ताप तो होना चाहिए गलनांक के समान, कौमा दाब होना चाहिए 101325 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, ताप तो कितना हो प्लैटिनम के गलनांक के बराबर और दाब कितना हो 101325 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, तो कृष्णिका की सतह के लंबवत, कृष्णिका की सतह के लंबवत 1/60,000 मीटर स्क्वायर, यदि कृष्णिका का ताप प्लैटिनम के ताप के गलनांक के बराबर हो, दाब 101325 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर हो, तो कृष्णिका की सतह के लंबवत इतने मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की प्रदीपन तीव्रता, की प्रदीपन तीव्रता, कोमा लगाइएगा, एक कैंडला कहलाती है, एक कैंडला कहलाती है। उम्मीद है आपको याद आ गया होगा शायद ना, कि कृष्ण का है उसका ताप तो है, दो तीन बात कंडीशन कर लेना, ताप प्लेटिनम के ताप के गलनांक ये जी है, दाब का आंकड़ा आपको याद करना होगा 101325, अगर ऐसा है तो उसके एकांक, उसके क्षेत्रफल के कितना 1/60,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की जो प्रदीपन तीव्रता होगी उसे एक कैंडला नाम दिया जाएगा। साथ में ही एक परिभाषा और समझ लें, इनको खत्म कर देते हैं फिर, एक मोल, तो एक मोल क्या कहता है, अब सुनिए ध्यान से बच्चों, थोड़ी कहानी सुनाओ, सुनो, कार्बन जैसे मैंने लिखा 6C12, सुनिएगा ध्यान से, थोड़ी सी कहानी सुनाओ, वैसे एक मोल का जो लॉजिक है आप केमिस्ट्री में बहुत ढंग से पढ़ोगे, बहुत ढंग से पढ़ोगे, ठीक है ना, तो सुनिए ध्यान से, एक मोल क्या चीज है, जैसे मैं पढ़ूं 6C12, अब सुनना ध्यान से मेरी तरफ देखना, 6 तो है परमाणु क्रमांक, 6 तो क्या है परमाणु क्रमांक,
और इस 12 को बोलते हैं बच्चों द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। अब थोड़ा सा मैं आपके दिमाग में डाउट पैदा करूं कि अगर मैं थोड़ा देसी भाषा में बोलूं इस चीज को, तो सर ये ऐसे कहना चाह रहा है कि जो परमाणु, जो कार्बन है उसका परमाणु क्रमांक तो 6 है और उसकी द्रव्यमान संख्या है सर 12। द्रव्यमान संख्या कितनी है? 12। मतलब उसका वजन 12 है। वजन कितना है? 12। अब यहां 2-3 सवाल पैदा होते हैं कि सर 12 क्या? पहली बात तो आप ये बताइए 12 ग्राम, 12 ठीक है मात्रक जरूरी है, मैंने आपको पढ़ाया है 12 किलोग्राम, 12 क्विंटल, 12 मन, 12 टन, क्या कार्बन का वजन है कितना है? ये 12 जो लिखा हुआ है, या ऐसे ही मैं कह दूं 8O16 लिखा हुआ है, ऐसे आपने बहुत सारे एलिमेंट लिखे देखे होंगे। तो फिलहाल परमाणु क्रमांक की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं चर्चा कर रहा हूं द्रव्यमान संख्या की। भाई कार्बन का वजन तो है 12 और ऑक्सीजन का वजन कितना है? 16। तो पहली बात तो आप ये समझने का प्रयास करो कि ये 12 और 16 है क्या, है यूनिट क्या होगी। तो बच्चों एक बात आप याद रखिएगा, ग्राम होगी यूनिट। कार्बन का वजन 12 ग्राम और ऑक्सीजन का वजन कितना? 16 ग्राम। ऐसे कोई भी एटम लिखा हो तो द्रव्यमान संख्या में आप ग्राम लगा देना। फिर दूसरा डाउट सुनिए, अच्छा सर ठीक है मान लेते हैं कि कार्बन का वजन 12 ग्राम है, पर ये कितने कार्बन का वजन है? जैसे कार्बन का चौक बना हुआ है तो क्या इसका वजन ही 12 ग्राम है? कार्बन का हम बोर्ड बना दें तो क्या उसका वजन भी 12 ग्राम है? कोई मात्रा तो होगी। आप कह रहे हो भाई चलो मान लेते हैं कि 6C12 में कार्बन का वजन 12 ग्राम है, कार्बन का वजन 12 ग्राम है, तो ये 12 ग्राम कितने कार्बन का वजन है, क्या संख्या है? तो बच्चों एक नंबर आता है, वो मैं आपको पहले पूरा पैटर्न पढ़ा दूं, परिभाषा से कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं खास। एक नंबर आता है अवोगाड्रो संख्या, आपने नाम सुना भी होगा शायद, अवोगाड्रो संख्या। अवोगाड्रो संख्या को दर्शाते हैं कैपिटल एन और सापेक्ष में ए, एन ए से। अवोगाड्रो संख्या कितनी होती है? 6.02 गुणा 10^23 परमाणु। क्या बोलते हैं बच्चों? बोलना। एक संख्या आती है, क्या नाम है उसका, इसको भी याद करो पहले, तो ये काम की चीज है और इसको आप कॉपी में अलग से नोट कर लोगे कहीं ना कहीं, कॉपी के ऊपर जो जगह होती है उसमें स्टार लगा के लिख देना, ये बार बार आपको परेशान करेगी। अवोगाड्रो संख्या, क्या बोलते हैं बच्चों? अवोगाड्रो संख्या प्रतीक रहेगा एन ए, 6.02 गुणा 10^23, मतलब 6.02 के बाद में 23 जीरो और लगा दो, बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। इतने परमाणुओं का वजन है 12 ग्राम। पहली बात आप ये याद कर लेना अच्छे से कि आपको कहीं भी, मैं इसको साफ कर रहा हूं, आप ये संख्या नोट कर लेना भाई ना, ये वाली संख्या। जैसे अब मैं देखो बिल्कुल इजी शब्दों में बात करता हूं, जो ये मैं आपको जब आप AMU पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप पहले तो, फिर 12th में पढ़ोगे आप AMU, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, वहां बहुत मजेदार टॉपिक है इसका एक, कहीं आपको ये लिखा मिल जाए 6C12, तो इसका सीधा सा मतलब है कि सर देखो कार्बन के 6.02 गुणा 10^23, कार्बन के 6.02 गुणा 10^23 परमाणुओं का जो द्रव्यमान है सर जी वो है 12 ग्राम। पहले तो आप ये समझ जाना तुरंत, अगर ये 6C ना होकर 8O16 होता, 8O16 होता, तो आप क्या समझते कि ऑक्सीजन के 6.02 × 10^23 परमाणुओं का वजन 16 ग्राम होगा। कोई भी एलिमेंट ले लो, उस एलिमेंट के इतने परमाणुओं का वजन जो द्रव्यमान संख्या होती है वो होता है। मेरी बातें आप समझना। अब जरा परिभाषा, सर आपको तो एक मोल की बतानी है, आपको तो एक मोल, तो ये 6.02 10^23 था ना, यही एक मोल था, ये जो परमाणुओं की संख्या थी ना इसी को हम बोलते हैं एक मोल। तो परिभाषा ऐसे बनती है सुनना कि कार्बन 12, 6 नहीं लिखा है, फिक्स है परमाणु क्रमांक तो कितना होगा, 6 ही होगा, बदल सकता है तो केवल क्या, द्रव्यमान, वो भी समस्थानिक के अंदर। कार्बन 12 के 12 ग्राम, या 12 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है बच्चों, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 का भाग देते हैं, तो इस संख्या को आप 0.012 किलोग्राम भी लिख सकते हो। देखो तो लिख सकते हैं क्या,
12 ग्राम में 1000 का भाग दो तो 3 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, 2 तो ये है ही है, तीसरी मैंने 0 लगा दी, समझ में आया ना। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम लिख दो या फिर 0.12 किलोग्राम में, 12 ग्राम का मतलब वजन की बात कर रहा हूं, इसमें बोलने वाली बात क्या है, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, उपस्थित परमाणुओं की संख्या, कॉमा लगाइएगा, एक मोल कहलाती है, एक मोल कहलाती है। जो कार्बन 12 है, अब देखो इसको कार्बन 12 के रूप में लिखें, और भी लिख सकता हूं मैं, ऑक्सीजन ले लूं तो इसको लिख दूं ऑक्सीजन 16 के 16 ग्राम या 0.016 किलोग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या एक मोल कहलाती है। कोई भी परमाणु ले लो, उसकी द्रव्यमान संख्या में, द्रव्यमान संख्या में ग्राम लगा देना पहली बात, तो उस ग्राम में उसके जितने परमाणु मौजूद हैं उसी को हम एक मोल कहते हैं। और आपकी सहायता के लिए मैं नीचे लिख भी दूं, याद करना कि एक मोल में 6.02, 6 के आसपास है, थोड़ा सा ज़्यादा है, गुणा 10^23 परमाणु होते हैं बच्चों। एक मोल में 6.02 × 10^23 परमाणु होते हैं। यहां तक आप इसको नोट कर लें जल्दी से। चलो, एक कैंडला और एक मोल, ये हमारी दो डेफिनेशन है, जल्दी लिखें। ठीक है, अब नेक्स्ट आप याद करो, एसआई पद्धति में दो मात्रक और थे बच्चों, कौन कौन से, रेडियन और स्टेरेडियन, याद है, तलीय कोण और घन कोण, साफ कर रहा हूं बच्चों इसको मैं। अब एसआई पद्धति में दो मात्रक और थे, कौन कौन से, रेडियन और स्टेरेडियन। अब हेडिंग डाल लीजिए आप, एक रेडियन की परिभाषा, एक रेडियन की परिभाषा समझ लो, एक रेडियन को समझो बच्चों, ध्यान से देखना। आप सब भाई अब 11th साइंस में आ गए हो, बेसिक बातें आप जानते हो। मान लीजिए कि मैं यहाँ एक कोण बनाऊं, ये बिंदु है, ये हमारी त्रिज्या है, फिर थोड़ी देर बाद त्रिज्या घूम करके यहाँ पहुँच गए एक तरीके से, तो ये कोई ना कोई कोण बनेगा ना, ये चाप, समझिए ध्यान से, समझना, ये तो हो गया केंद्र, ये हो गई त्रिज्या, ये भी आर है, तो ये भी कितनी होगी, आर, और यहाँ से यहाँ तक जो ये दिख रहा है ना वृत्ताकार टाइप में, इसे बोलते हैं अपन चाप। क्या बोलते हैं? चाप। क्या बोलते हैं? चाप। रेडियन पता हो तो कोण का मात्रक है, पढ़ते हो ना 30 रेडियन, 20 रेडियन वगैरह वगैरह, डिग्री सेल्सियस भी है, रेडियन भी है। अच्छा, आपने कोण का सूत्र पढ़ा होगा बच्चों, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण का सूत्र क्या होता है बच्चों? चाप बटे त्रिज्या। पर आपको तो कोण कितना लेके आना है? एक रेडियन। और कोण पता है एक रेडियन कब आएगा? थीटा इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकता हूं उसको, चाप को लिखते हैं एल से और त्रिज्या को लिखते हैं आर से। बच्चों आप मान लो कि माना एल और आर बराबर हैं, आप ऐसा मान लो कि जो चाप है वो त्रिज्या के बराबर है। चाप किसके बराबर है? त्रिज्या के बराबर। और जब बच्चों एल और आर का मान बराबर होगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और थीटा कितना बचेगा? एक, जिसका मात्रक तो आप जानते हो क्या होता है, रेडियन। मेरी बातें आप समझिए ध्यान से। आपने एक चाप लिया, इस चाप की लंबाई आपने कितनी ली बच्चों? कंडीशंस ये है, लंबाई चाप की कितनी ली? त्रिज्या के बराबर। लंबाई चाप की कितनी ली? त्रिज्या के बराबर। और उस चाप ने केंद्र पर जो कोण बनाया वो है एक रेडियन। मतलब आप ऐसे भी सोच सकते हो इस चीज को कि सर हम एक व्रत लें, व्रत जो पूरा है ये तो अपने केंद्र पर 2π रेडियन कोण बनाता है, 2π मतलब 360 डिग्री का कोण बनाता है, पता होगा आपको, है ना, ये इसकी त्रिज्या है r। अब हमने क्या किया, इस व्रत की परिधि पर, इस व्रत की परिधि पर त्रिज्या के बराबर चाप लिया कहीं भी, ये मान लो ये जो l है ये त्रिज्या के बराबर है। अब इस चाप ने केंद्र पर जो भी कोण बनाया होगा वो क्या होगा? एक रेडियन होगा। क्या होगा? एक रेडियन होगा। तो एक रेडियन की परिभाषा क्या है? एक रेडियन की परिभाषा क्या है कि यदि परिभाषा होना आप एक रेडियन की,
कि यदि यदि व्रत की परिधि पर, यदि व्रत की परिधि पर त्रिज्या के बराबर चाप लिया जाए, अगर हम व्रत की परिधि पर, देखो कंडीशन आपके सामने है, एल आपने आर के बराबर लिया है, एल क्या है परिधि पर चाप और आर क्या है त्रिज्या। यदि हम व्रत की परिधि पर त्रिज्या के बराबर चाप लें, त्रिज्या के बराबर चाप लिया जाए, तो चाप द्वारा वो चाप जो त्रिज्या के बराबर आपने लिया है, चाप द्वारा व्रत के केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा, एक रेडियन होगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, बताओ कि आपने व्रत की परिधि पर एक त्रिज्या के बराबर चाप लिया और वो चाप केंद्र पर जितना कोण बनाएगा वो है एक रेडियन। ठीक है, तो आप यहां तक इनको नोट कर लें। एक परिभाषा और रह गई है एक स्टे रेडियन की, उसे अपन कल समझाएंगे क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, बाकी कल अपन इनको समाप्त कर देंगे। ठीक है, नोट कर लो।